हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है एक्सेल हर्डल्स। एमएस एक्सेल के बेसिक कोर्स के इस वीडियो में आज हम फंक्शन और फॉर्मूला के बीच के डिफरेंस को और भी डिटेल में क्लियर करेंगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक्सेल में टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अगर हम एक्सेल में फंक्शंस के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, पहला इनबिल्ट फंक्शंस और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और यू कैन से कस्टम फंक्शंस। अब इनबिल्ट फंक्शंस होता क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इनबिल्ट पहले से बना बनाया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें ऑलरेडी जो बने बनाए फंक्शंस दिए हैं उन सभी को हम इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। हमारा एक्सेल में 70 से 75% काम इनबिल्ट फंक्शन से ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिनको इनबिल्ट फंक्शन भी पूरा नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में कस्टम फंक्शंस काम आते हैं। अब ये कस्टम फंक्शंस होता क्या है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, कभी कभी काम करते हुए हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है या फिर हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिनमें इनबिल्ट फंक्शन भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे अपनी मर्जी के फंक्शंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी उस ज़रूरत को पूरा कर सके, तो उन्हीं फंक्शंस को हम बोलते हैं कस्टम फंक्शंस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कस्टम फंक्शन कस्टमर की चॉइस का, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कोई फंक्शन बनाया, उसको ही हम बोलते हैं कस्टम फंक्शंस। अब इसको हम VBA के थ्रू बनाते हैं। VBA की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। MS Excel का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं VBA के ऊपर भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। दोस्तों, हम फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिस्ट के बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इस बेस पे फंक्शन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। अब ये कौन से फंक्शन होते हैं, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये होता है ऐसे फंक्शन जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नाउ फंक्शन इक्वल्स टू नाउ, और यहाँ पर मैं जैसी ब्रैकेट लगाता हूँ तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने हमसे कुछ भी डिमांड नहीं की। ये हमसे सिंपली बोलता है कि ब्रैकेट ओपन कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। तो इस तरह से फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिंपली इनमें ब्रैकेट ओपन करना होता है और ब्रैकेट क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन बिना किसी एरर के काम कर रहा है, और इस फंक्शन ने हमें सिस्टम की करंट डेट बता दी है। इसी तरह से टुडे फंक्शन भी होता है, उसमें भी हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड टाइप है फंक्शन विद वन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ऐसे फंक्शन जिसमें हमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करता हूँ जो है लोअर फंक्शन इक्वल्स टू लोअर, और यहाँ पर मैं जैसी ब्रैकेट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने हमसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड की है, जो है टेक्स्ट। हमें इसको ये बताना होगा कि हम किस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इस सेल के टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हम जैसी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर, तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने इन सभी लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है फंक्शन विद मैनी आर्ग्यूमेंट्स। अब ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो हमसे एक से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करता हूँ जो है इफ़ फंक्शन। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल्स टू इफ़, और यहाँ पर मैं जैसी ब्रैकेट लगाता हूँ तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमसे कितनी सारी चीज़ों की डिमांड करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब कि इसके एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे ही फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शन विद मैनी आर्ग्यूमेंट्स। एक्सेल में हम ज़्यादातर फंक्शन विद मैनी आर्ग्यूमेंट्स का ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों, हम फंक्शंस को दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो है वॉलेटाइल फंक्शन एंड नॉन वॉलेटाइल फंक्शन। अब ये वॉलेटाइल फंक्शन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। वॉलेटाइल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो वर्कबुक के रिफ्रेश होने के साथ ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करता हूँ जो है रेंड फंक्शन इक्वल्स टू रेंड ब्रैकेट ओपन। अब ये रेंड फंक्शन करता क्या है, रेंड फंक्शन हमको 0 और 1 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू देता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमको ये वैल्यू दी। अब जैसे ही मैं इस वर्कबुक को रिफ्रेश करता हूँ तो आप इस वैल्यू में भी चेंज देखेंगे। वर्कबुक को रिफ्रेश करने के लिए F9 की प्रेस करनी होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर F9 की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं
कि इस वैल्यू में भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैं जितनी बार F9 की प्रेस करके इस वर्कबुक को रिफ्रेश करता हूँ उतनी बार इस वैल्यू में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसी तरह के फंक्शंस को हम वॉलेटाइल फंक्शन बोलते हैं। इसके आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन, रेंट बिटवीन फंक्शन। ये सभी फंक्शंस वॉलेटाइल फंक्शंस के अंडर आते हैं। लेकिन जो फंक्शंस इस तरह से ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट नहीं होते उनको हम नॉन वॉलेटाइल फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि इफ फंक्शन, सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन। ये सभी फंक्शंस नॉन वॉलेटाइल फंक्शन के अंडर आते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में फंक्शंस के सभी टाइप समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।